हेलो फ्रेंड, मैं बनाने वाला हूं अंसारी। आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम इसमें सीखने वाले हैं बाजू में डिजाइन बनाने का तरीका। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इजी डिजाइन है बाजू में बनाने का, तो बहुत ही आसानी से ये डिजाइन बनेगा और बहुत खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। आप इस डिजाइन को कुर्ती, सूट, ब्लाउज, फ्रॉक, जिसमें चाहे आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है, आपको एक नजर में पसंद आ जाएगा ये डिजाइन। एक एक चीज बारीकी से सीखेंगे, बहुत ही आसानी से और बहुत आसान तरीके से हम सीखेंगे कि किस तरह से बनाया जाएगा फ्रेंड। तो आपको हम बता दें, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन दबा लें, जिससे क्या होगा हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये हमारा बाजू है जिसमें हमको डिजाइन बनाना है, तो इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो किस तरह से डिजाइन बनेगा, पहले इसमें हम नापेंगे, यहाँ से इंची टेप से नाप लेंगे, 2 इंच यहाँ से निशान लगाना है और 3 इंच इधर से निशान लगाना है। इसको इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से मिलाना है दोनों निशान को। उसके बाद काट देंगे इसको, इस तरह से काट देंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से कट जाएगा हमारा। उसके बाद क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, इस तरह से कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे कपड़े को। इसमें इस तरह से बराबर करते हुए हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से हमको बराबर करते हुए इसमें अटैच कर लेना है, इस तरह हो जाएगा। काट के निकालेंगे इसको, इस तरह से बराबर कर लेंगे काट के, और ये अंदर का ये भी काट देंगे, इस तरह से काट लेना है हमको। और बीच में इस तरह से कट लगा लेंगे, सिलाई नहीं कटना चाहिए। उसके बाद हम इसको इस तरह से पीछे की तरफ पलटेंगे, इस तरह से पलट के हमको अंदर इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके हम इसको सिलाई लगाएंगे, तो इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे बराबर और सिलाई लगाएंगे इस पर। इस तरह से हम बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड, हमको बराबर कर लेना है एकदम, और उसके बाद ही सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम बराबर कर लेंगे और उसके बाद सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमको सिलाई लगाना है बराबर करते हुए, दोनों तरफ हम इसी तरह से सेम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमको सिलाई लगाना है, उसके बाद ये हमारा सिलाई हो गया है। इसको हम काट लेंगे और सीधा कर लिए, ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा। इसके बाद क्या करना है हमको, इस तरह से एक कपड़ा लेना है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमको कपड़ा लेना है, दो कपड़ा है। इसको हम सीधा रखेंगे और इसको हम उल्टा रखेंगे, इसके ऊपर हम दोनों को एक दूसरे में अटैच कर लेंगे, एक के ऊपर एक रख के इस तरह से हमको अटैच कर लेना है। इस तरह से बराबर करते हुए हम अटैच कर लेंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही ईजी डिजाइन है, इस डिजाइन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप जिसमें चाहें उसमें बना सकते हैं, सूट, कुर्ती, फ्रॉक, ब्लाउज, जिसमें भी चाहें आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजी डिजाइन है। तो इस तरह से हमको अटैच कर लेना है, उसके बाद हम इसको पलट देंगे। इस तरह से हमको पलट लेना है और ये पॉइंट जो है इसका किसी नुकीली चीज़ से निकाल देंगे, और उसके बाद ऊपर भी सिलाई लगाएंगे बराबर करते हुए। इस तरह से ऊपर भी हम बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमको सिलाई लगाना है बराबर करके एकदम। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से बराबर करके हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको काट देंगे, ये सिलाई लग चुका है, और इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से काट के, ये हमारा सीधा हो जाएगा। इसके बाद इसको रखेंगे इस तरह से, और अपना ये बाजू लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, और इसमें इस तरह से फोल्ड करके एक कपड़े से डिजाइन बनाना है। तो इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रखेंगे उल्टे तरफ, और इसको सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमको लगाना है, तो एक के बाद एक लगाएंगे इसी तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से हमको फोल्ड करना है और इसमें अटैच करना है। तो इस तरह से हम फोल्ड करके अटैच कर लेंगे। आप इसमें कोई भी कपड़ा अपने हिसाब से, जो आपको जो कलर रखना चाहे आप इसमें रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से रख के जो भी कपड़ा आप जो भी कलर लगाना चाहें इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से हमको बराबर करके इसमें अटैच करना है, एक के बाद एक। दूसरी तरफ भी हम इस तरह घुमा के दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं बराबर करते हुए हमको इस तरह से अटैच कर लेना है, एक के बाद एक। इस तरह से हम फोल्ड करके इसमें अटैच कर लेंगे, डिजाइन बनाना है हमको इस तरह से। उसके बाद हम इसको निकाल देंगे, ये हमारा लग चुका है इसमें। उसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम काट देंगे इस तरह से, अंदर का जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा काट लेंगे,
और इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद हमको ये लेना है जो हमने बनाया है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, बराबर करते हुए इसको इस पे रखना है और दोनों को एक साथ अटैच करना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे, बराबर करते हुए इस तरह से हमको सिलाई लगा के अटैच करना है। इस तरह से ये हमारा अटैच हो जाएगा। इसको हम काट लेंगे, उसके बाद इस तरह से सीधा करेंगे और नीचे की तरफ इसको हम कपड़े को रखेंगे और सिलाई लगा के ऊपर इसको एक ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। बराबर करते हुए हम ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे सीधी तरफ, इस तरह से दाब सिलाई लगाना है हमको। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं बराबर करते हुए हमको इस तरह से सिलाई लगाना है और ये हमारा सिलाई लग चुका है। इसको हम काट लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद हमको साइड में सिलाई लगाना है, तो इस तरह से बराबर करते हुए हमको साइड में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमको आप अपने फिटिंग के हिसाब से साइड में सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से हम बराबर करेंगे और इसमें साइड में भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारे ये सिलाई हो जाएगा। उसके बाद हम काट लेंगे और सीधा करेंगे। तो इस तरह से हम काट के सीधा करेंगे इसको। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है आप खुद देख सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, आपको बहुत पसंद आएगा ये डिज़ाइन। सूट कुर्ती ब्लाउज फ्रॉक किसी में भी बना सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।